इश्यूज के लिए हम लोग बार बार बात होती थी, इलेक्शन के समय में गाड़ी का परमिशन नहीं मिलती है, गाड़ी का छुपा के वो कहां पर रखता था, गाड़ी का कोई छीन लेगा करके, इसी का हम लोग इसी बार बहुत बयान करके काम कर रहे हैं। अभी दौरे का पहले भी आप लोग डीसी से बात कर मीटिंग करवा रहा हूँ, उसको इस बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट का दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहले की तरफ से अभी गाड़ी की संख्या भी ज्यादा बढ़ गई, अभी गाड़ी का उसे इश्यूज नहीं पड़ेगा उसमें, इसलिए उसी का पब्लिक का डिस्टर्बेंस कम करते हुए इलेक्शन करवाने कैसा करवाना उसका कम करें। अभी भी ऐसा कोई गाड़ी पकड़ा करके अभी तो सूचना है नहीं, हम लोग का मन तो ये भी क्लियर करवा रहे हैं। इसी बार का वो स्टेट गवर्नमेंट भी रेट का रिवाइज कर दिया, इसी बार अभी इच्छा अच्छा से गाड़ी का वो रेट हो गया, इसलिए अभी इच्छा से अभी गाड़ी देने के लिए चल रही है। फिजिकली गाड़ी पकड़ने वाला काम मेरे हिसाब से इसी बार हम लोग को फटाफट जीरो किनारा बराबर रखेंगे, वही प्रयास है ताकि हम लोग को नई दिक्कत हो। इवन गाड़ी मालिक से भी बात हो रही है, जिला भाई साहब का वो डीटीओ है वो बात कर रहा है, साथ में कमिश्नर इसी विषय का बात कर रहा है, इसलिए प्रोरेटेड बेसिस पर उनका गाड़ी लिया जा रहा है। मतलब सपोज प्रोरेटेड मतलब किसके पास 10 गाड़ी है, वो पांच गाड़ी आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज होगा, पांच गाड़ी वो गवर्नमेंट का देंगे, उस तरफ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी दिक्कत नहीं होगा, पब्लिक का भी दिक्कत नहीं होगा। ये इसी का देखिए हम ध्यान रख रहे हैं। इवन 2019 में इलेक्शन में भी ये समस्या ज्यादा देखते हैं, मतलब आपका 2009 के इलेक्शन में ज्यादा देखा, 14 में इलेक्शन में होता था, 2019 में इलेक्शन, इसी इलेक्शन में प्रयास यही है वो पब्लिक का नुकसान मतलब दिक्कत कम से कम हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिस्टर्बेंस नहीं हो, कार वो भी वोट आने के लिए घर आना चाहता है, इसलिए उसका ध्यान रखते हुए इसी बार हम लोग को देखने वाला काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है इसमें ये भी हम लोग इसी बार प्रयास किया जा रहा है। बहुत स्कूल में कॉलेज वगैरह में बस वैन है, उनका भी उसी पोलिंग का दिन में उनका भी बस उससे खड़ा रहती है, इसलिए उसी गाड़ी का यूज कर ले, उनका भाड़ा भी मिल जाती है। ये भी हम लोग इंश्योर कर दिया वो स्कूल का बस का वैन वगैरह होगा, वो तो 3 दिन का तो स्कूल तो बंद रहती है, 2 दिन का पहले उसका आधा दिन भी तो स्कूल बंद रहती है, इसलिए स्कूल का कॉलेज का वैन का हम लोग कॉम्प्लेक्स करेंगे, उसमें भी बहुत संख्या में गाड़ी मिल जाएगी। इवन रांची में हम लोग लगभग 700 बस है, उसी बसेस में ही हम लोग यहाँ का इलेक्शन बहुत तक फुल हो जाती है, इसलिए उसी तरफ से गाड़ी कर रहे हैं हम लोग इसी बार गाड़ी का डिस्टर्बेंस। उसके बाद आपसे एक बार फॉर्म 12D प्राप्त करने के बाद मतदान का P-4, P-5, P-3 में आपका वोटिंग होगा, 6-5 आपका RO ऑफिस कहाँ है उसका नाम तो जिला का मुख्यालय, वहां पर आपका वोटिंग का फैसिलिटी होगी, वहां पर सेम प्रोसेस होगा, अभी PVC दिखाया गया उसी को, मोटा मोटी आपका वो फैसिलिटी सेंटर आपको बोला जाता है पोस्ट वोटिंग सेंटर करके, वो भी सेम प्रोसेस होगा, कितना लगभग 2000 हम लोग इसी बार मीडिया बस का दे रहा है। उसी तरफ से अन्य 15 सर्विस है, मतलब टोटल 16 सर्विस है, आपका इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में काम करता है, हॉस्पिटल में इमरजेंसी ड्यूटी में रहता है, आपका ATC में आपका एयरपोर्ट में काम करता है, वो तो ड्यूटी नहीं जा पाएंगे, ट्रैफिक में काम करता है वो ड्यूटी नहीं जा पाएंगे, वो सभी 16 सर्विसेज झारखंड में नोटिफाइड है, उन्हीं सर्विसेज का इसी बार हम लोग वो ऑप्शन देके अपने पोस्टल बैलेट के माध्यम से वो करेंगे। इसी बार वो वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी है उनका भी हम लोग ये फैसिलिटी दे रहे हैं, और उसी साथ साथ में होम वोटिंग है, उसमें भी होम वोटिंग में भी भाई उनके एक्सप्लेन करेगी कैसा ये कातमी करके आपका कैसा बताएंगे उसको, एक्चुअल ह्यूमन तो हम नहीं रह सकते करके इसी बार यूज नहीं कर सकते, कितना भी व्हीकल परमिट अभी चाहे इसी बार झारखंड में मिलेगी किसी भी जिला में मिलेगी, उसी का आपका वो ना तो कड़ा फोटा कर पाएंगे ना तो ब्लैक एंड फोटा मिलेगा, उसमें ये गोल्डन कलर में रहेगी, इसलिए ये सब कुछ का इश्यूज है, उसका एड्रेस कहाँ कहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है उसका एड्रेस करने के लिए और भी कैरेक्टर में आएगी।